हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ इजी पीजी 30 सेकंड से भी कम में हो जाने वाले मांगटीका हेयर स्टाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको मांगटीका जो है सेट कैसे करना है। तो आपको जो है अपने बालों की मिडल पार्टिंग करनी है और फिर दोनों साइड से जो है आपको चार चार पाँच पाँच इंच के बालों को छोड़ के अपने सेंटर ऑफ द हेड से जो है बालों का एक सेक्शन लेना है इस तरीके से, और फिर उसको जो है एक पीछे की तरफ एकदम टाइट करके जो है आपको उसको किसी भी पिन या बॉबी पिन से जो है सिक्योर कर देना है। पिन से सिक्योर करने के बाद जो है आपको अपना मांगटीका लेना है और उस सेक्शन में जो है इस तरीके से अटका देना है, और उसके ऊपर जो है आपको कोई भी बॉबी पिन लगा देनी है। इससे क्या होगा गाइज, आपका जो मांगटीका है वो लिटरली टच से मस नहीं होगा। अब बारी आती है हमारे सबसे पहले हेयर स्टाइल की। तो सबसे पहले हेयर स्टाइल के लिए जो है आपको अपने एक साइड से बालों का सेक्शन लेना है और उसको जो है अपने मांगटीका के ऊपर से करना है। बेसिकली आपको साइड पार्टिंग करनी है अपने मांगटीका के ऊपर से। उसके बाद जो है आपको उस सेक्शन को लेना है एंड देन उसको जो है आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड करके जो है इस तरीके से एकदम सी फॉर्म में जो है नीचे की तरफ जो है धीरे धीरे से थोड़ा सा पुल करना है और उसको जो है किसी भी पिन या बॉबी पिन से जो है सिक्योर कर देना है। गाइस, से समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसकी लुक देखिए, सो डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट हेयर स्टाइल की। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए जो है आपको अपने एक साइड से जो है बालों का सेक्शन लेना है इस तरीके से, उसको कॉम कर लेना है ताकि कोई भी नॉट्स ना रहे, और फिर जो है उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बैक कॉमिंग करनी है। देन उसको जो है आपको आगे की तरफ पुश करके इस तरीके से और उसे जो है किसी भी पिन या बॉबी पिन से जो है सिक्योर कर देना है। सेम यही चीज़ जो है आपको अपने दूसरे साइड भी करनी है। एंड यस, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और लिटरली इसको करने में ना 10 सेकेंड्स लगते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए जो है आपको अपने सेंटर ऑफ द हेड से जो है बेसिकली अपने आईब्रो के एक एंड से लेके आईब्रो के दूसरे एंड तक जो है बालों का एक सेक्शन लेना है इस तरीके से, उसको कॉम कर लेना है ताकि कोई भी नॉट्स ना रहे। अब गाइस, अगर आपके बालों में कोई भी वॉल्यूम नहीं है या अगर आपका पफ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता तो यहाँ बैक कॉमिंग की हेल्प ले सकते हैं, बट मेरा जो पफ है वो बिना बैक कॉमिंग के बन जाता है। तो मैंने क्या करा, उस सेक्शन को जो है आगे की तरफ पुश करके उसे जो है किसी भी पिन से सिक्योर कर दिया। और ये हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है। सो आप इसको भी जो है कर सकते हैं अपने किसी भी वेडिंग के फंक्शन। लास्ट हेयर स्टाइल के लिए जो है आपको अगेन मिडल पार्टिंग करके उसमें मांगटीका लगा देना है और फिर एक साइड से जो है आपको अपने बालों का छोटा सेक्शन लेना है और उसको जो है आपको ट्विस्ट करना है। बेसिकली आपके बालों की जितनी भी लेंथ है उसका थोड़ा सा जो है 1/4 जो है आपको ट्विस्ट करना है और उसको जो है किसी भी पिन से सिक्योर कर देना है। उसके बाद जो है आपको साइड से एक और सेक्शन लेना है बालों का एंड देन अगेन जो है आपको उसको ट्विस्ट करना है इस तरीके से, और उसको भी जो है आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करके जो है आपको उसको किसी भी पिन से जो है सिक्योर कर देना है। उसके बाद जो है आपको अपने ईयर के पास का सेक्शन लेना है इस तरीके से और उसको भी जो है आपको ट्विस्ट करते जाना है एंड देन उसको भी जो है पिन से सिक्योर कर देना है। सेम यही चीज़ जो है आपको अपने दूसरे साइड भी करनी है। और यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी, बट ऐसा लगता है आपने कितने एफर्ट्स पुट करे हैं। सो इसको भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा।